बच्चों की पसंदीदा साइंस फाई एनिमेटेड फिल्म दी वाइल्ड रोबोट ने आते ही तहलका मचा दिया। नुमाइश के तीसरे दिन ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई। जंगल में जानवरों के बीच तनहा रह जाने वाले रोबोट ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमा लिया है। हॉलीवुड की एनिमेटेड फिल्म दी वाइल्ड रोबोट रिलीज के 3 दिनों में $45 मिलियन कमाकर बॉक्स ऑफिस पर सरे फहरिस्त है। दी वाइल्ड रोबोट पीटर ब्राउन की उसी उनवान की किताबी सीरीज पर मबनी फिल्म है। इस फिल्म को ड्रीम वर्क एनिमेशन ने प्रोड्यूस किया है और इसके डिस्ट्रीब्यूटर यूनिवर्सल पिक्चर्स हैं। दी वाइल्ड रोबोट में दिखाया गया है कि जहाज के तबाह होने के बाद रोज नामी एक जहीन रोबोट गैर आबाद जजीरे पर फंस जाता है। सख्त माहौल से बचने के लिए रोज जजीरे के जानवरों के साथ दोस्ती कर लेता है और एक यतीम बच्चे हंस की देखभाल करके जिंदगी गुजारता है। एनिमेटेड फिल्म के हिदायतकार क्रिस सैंडर्स हैं, जबकि इसकी कास्ट में लोपीथा नियोंग, पेड्रो पास्कल और कैथरीन ओहारा शामिल हैं। पीटर ब्राउन और क्रिस सैंडर ने इसका स्क्रिप्ट भी तैयार किया है। प्रोड्यूसर जेफ हरमन और डीन डी ब्लूस के साथ क्रिस सैंडर्स की तहरीर और हिदायतकारी में बनने वाली ये फिल्म एडवेंचर और जदोजहद की एक दिलचस्प कहानी से भरपूर है, जिसने शायकीन को पूरी तरह महफूज किया है। इब्तदाई तौर पर दी वाइल्ड रोबोट को 20 सितंबर 2024 को नशर होना था, लेकिन पैरामाउंट एनिमेशन के ट्रांसफॉर्मर 1 के साथ मुकाबले से बचने के लिए इसे 1 हफ्ते बाद मुलतवी करना पड़ा।